बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी आज मैं बना रही हूँ कढ़ी पकौड़ा, तो मैं इसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। तो जी एक बाउल लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी लिया है तकरीबन एक कप, और एक पाव है दही। अब मैं इसे लस्सी की तरह बना लूँगी, अच्छी तरह मिक्स करूँगी ताकि ये लम्स वगैरह ना रहें और ये एक जैसा बन जाए पानी और लस्सी की तरह। ये एक बेसन की प्याली है, एक प्याली बेसन से ही मैं बनाऊंगी कड़ी। और अब मैं इसे लस्सी की तरह बना लेती हूँ, बिल्कुल लिक्विड सा फेंट के और अच्छी तरह से, क्योंकि अब देहातों में भी लस्सी वगैरह नहीं बनाई जाती। जिन लोगों की गाय भैंस होती हैं तो वो लोग बेच देते हैं दूध को, दोधी को दे देते हैं, तो इसलिए वो उन्हें अब ये काम मुश्किल लगता है, तो इसी काम की तरफ जाते हैं। और यहाँ पर मैंने लस्सी की तरह बना लिया दही को, और अब मैं इसमें बेसन मिक्स कर रही हूँ। बिल्कुल पतला सा आपने बनाना है, इसका जो महलूल है वो थिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पतला बनाएंगे तो अगर थिक होगा तो इसमें गुठलियाँ रह जाएंगी और फिर कढ़ी अच्छी से नहीं बनेगी। और मिक्स करते जाएं, और पानी अगर रोज़ ज़रूरत है तो डालें, मैंने भी और पानी डाला है। और मैं अब इसे मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। तो जी यहाँ पर मैंने करने हैं प्याज और मसाला तैयार। मैंने लिए तकरीबन एक प्याली आयल, और अब मैंने दो मीडियम प्याज लिए हैं। अब इसे मैं ब्राउन करूँगी। बहुत अच्छी बनती है इस तरीके से भी कढ़ी पकौड़ा, कुछ इलाकों में बनती है, कुछ रेसिपी देते हैं जल्दी में बन जाती है, लेकिन जो चीज़ को जितना टाइम चाहिए हो उतना दे के बनाएं तो अच्छी बनती है। ये कढ़ी पकौड़ा भी तकरीबन 3 से 4 घंटे लेती है, हमारे घरों में ये इसी तरह बनती है। और जी प्याज हो गए हैं ब्राउन, अब मैं इसमें डालती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर और सब्ज़ी मिर्च, इन सबको मैंने ग्राइंड किया है, क्योंकि कड़ी में इसी तरह ग्राइंड करके ही डालते हैं ताकि कुछ ज़रे वगैरह ना रहें और टमाटर वगैरह गलते नहीं। यहाँ पे मैंने इन्हें भून के अब मिर्चें डाली हैं, सुरख मिर्चें 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च 1/2 खाने का चम्मच, हल्दी 1 खाने का चम्मच और नमक हसबे ज़रूरत। अब मैं इसकी भुनाई कर लेती हूँ, और जो गरम मसाला और धनिया है वो मैं फ्रेश पीस के और फिर डालती हूँ, क्योंकि जब कढ़ी में फ्रेश डालेंगे आप तो इसका ज़ायका भी अच्छा आएगा और फ्लेवर अच्छा बनेगा इसका। तो जी ये मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच है धनिया और 1 खाने का चम्मच है गरम मसाला, इन्हें इकट्ठा ही पीस लिया, और मैंने अब इसे इसमें डाल दिया मसाले में, और अब मैं इसे मज़ीद भून लेती हूँ। अच्छी से इसकी भुनाई करूँगी। जो लोग मेरे चैनल पे आए उनका दिल से शुक्रिया, जो लोग मेरी वीडियोस बहुत गौर से देखते हैं और मुझे कमेंट्स करते हैं वीडियोस के दरमियान में जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में, तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों की सपोर्ट से है मेरा चैनल और मज़ीद आगे जा रहा है, इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगा और आगे ज़रूर जाएगा। तो जी यहाँ पर मसाला हो गया तैयार, अब ये जो बेसन का हमने बना के रखी है तो इसको एक दफ़ा चम्मच हिला के और मिक्स करके फिर डालना है ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह ना बने, और यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स करना है और चम्मच बराबर हिलाते रहना है, बेसन है गुठलियाँ ना बने। और जी यहाँ पे तकरीबन इसे घंटा हो गया है पकते हुए। इस कढ़ी, ये कढ़ी तब तैयार होती है जब इसका घी अच्छी तरह से ऊपर आ जाए, सारा घी बाहर रिलीज़ हो जाए, तो इसकी पकाई पूरी हो जाती है। और तकरीबन इसे घंटा हो गया था, और चम्मच वक्फे वक्फे से हिला रही थी, और ये साथ ही मैं तैयार कर रही थी पकौड़ों का सामान। तो पकौड़े भी मैं आप लोगों को शेयर करूँगी किस तरह बनाती हूँ। ये प्याज मैंने रिंग्स में काटे हैं, तो जी मैंने छील के रखे थे, और तकरीबन यहाँ पे 2-2.5 घंटे हो गए हैं तो ये डन होने वाली है, तो इतने में मैं आप लोगों को शेयर कर लेती हूँ सामान। तो जी यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, देहातों में तो अक्सर बाहर ही खाना वगैरह बनाया जाता है चूल्हे पे। तो जी यहाँ पे मैंने प्याज लिए हैं, इन्हें मैंने इस कटर के साथ काटा है और इस वाली साइड से, और थोड़े हल्के हल्के हाथों से इसके रिंग निकाल के और धोया है, क्योंकि पकौड़ों में जब इस तरह के प्याज डालें तो बड़े क्रंची से पकौड़े बनते हैं मज़े के। और पालक भी डाली है, एक प्याली है, और धनिया है कुछ, और यहाँ पे आलू लिए हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ के, और वो भी इसी तरह काटे हैं, और ये बेसन है 1.5 प्याली,
तो जी, और यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी 2 से 3 चम्मच आटे के, गंदम वाले आटे के, इससे भी पकोड़े बड़े करंजी से बनते हैं। मैं जब भी बनाती हूँ तो ये आटा मैं साथ लाजमी इस्तेमाल करती हूँ और बड़े मज़े के बनते हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बनेंगे। तो अब मैं इन चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ और खुश मसाला जात डालूँगी, वही जो नॉर्मल घरों में डलते हैं। आप लोगों को भी किस फ्लेवर में, किस तरह के चाहिए मसाले वगैरह, आप तेज़ खाते हैं तो तेज़ डाल लें, अगर हल्का खाना है आप लोगों ने तो हल्का आप डाल लें। तो हमारे घर में तो अगर केले पकौड़े होते हैं तो तेज़ ही खाया जाता है, लेकिन आज कढ़ी में जाने थे पकौड़े, कढ़ी पकौड़ा बना था तो थोड़ा हल्का ही रखेंगे हाथ और फिर बच्चे भी खा लेंगे। यहाँ पे मैंने सब चीज़ों को मिक्स किया है और अब मैं खुश्क मसाला डाल लेती हूँ और फिर इसमें मैंने धनिया साबुत डाला है पकौड़ों में और अब मैं इसे मिक्स करती हूँ पानी के साथ। बहुत अच्छे बनते हैं इस तरह से पकौड़े भी। सब्ज़ मिर्चें मैंने डाली हैं और बाद में मैंने थोड़ी सी खुश्क मेथी भी डाली थी, इससे बहुत अच्छा जायका आ जाता है इनका, मिक्स सब्जी वाले पकौड़े कह लें। तो जी यहाँ पे देखें जी, घी आ गया, इसका रिलीज़ हो गया बाहर और ये डन है। और थोड़ी पतली रखी है मैंने क्योंकि थिक नहीं रखी, थोड़ी लिक्विड सी है क्योंकि जब हम पकौड़ा बनाएंगे तो वो इसमें जाएंगे तो फिर ये खुद ही थिक हो जाती है। तो किचन में चलते हैं और पकौड़े बना लेते हैं। आटा वगैरह मैंने मिक्स कर रखा हुआ है और यहाँ पे चली गई है लाइट और अंधेरा बहुत है तो इस वजह से यहाँ पे लाइट की वजह से रोशनी की काफ़ी कमी थी। और यहाँ पे फिर मैंने अब पकौड़े बनाए हैं तो यहाँ पे मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ किस तरह के पकौड़े बने थे, बड़े क्रंची से। और लाइट जलाई है हमने लेकिन शायद ज़्यादा ही अंधेरा आ गया है, दूसरी लाइट जला के रखी थी। तो यहाँ पे पकौड़े बन रहे हैं, और यहाँ पे पकौड़े हो गए हैं तैयार। मैंने सिर्फ एक ही दफ़ा निकाले हैं और अब इसे मैं कढ़ी में मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं बाकी के पकोड़े बनाऊँगी। ये कढ़ी है और ये जो हमने पकोड़े बना के रखे थे अब मैं इसमें मिक्स कर दूँगी और साथ ही धनिया डाल दूँगी। तो जी ये थी मेरी आज की कढ़ी पकोड़ा की रेसिपी। तो हमने कोई डिश आउट वगैरह नहीं की थी क्योंकि जो लोग देहात में रहते हैं या उन्हें तो पता ही है हमारे घर में खाना किस तरह खाया जाता है। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।